हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी काम पे था, जस्ट अभी आया हूँ, और पीछे से दिव्या ने रिसीव करा मेरा एक बड़ा ही तगड़ा पार्सल। मैंने एक बड़ी तगड़ी चीज़ मंगाई है। तो दिव्या, मेरा पार्सल कहाँ पे है? तो गाइस, जो चीज़ मैंने मंगवाई है वो है ये मेरी पहली इन्वेस्टमेंट है टूवर्ड्स यूट्यूब। नॉट पहली, वैसे भी DSLR मैंने लिया है, ट्राईपॉड्स लिए हैं, उनके अलावा ये मेरी खुद से यानी कि आपे है खरीदी, सानू डैडी ने नहीं दिती, उस हिसाब नाल ये साडी पहली चीज़ है। सो आपां अनबॉक्स करते हैं। वैसे मैंनू ये थोड़ा एफर्ट है मिले। सो एक की चीज़ है मैं तुहानू दिखाना, इट्स अ माइक। मैं बहुत पहला जब यूट्यूब नवा नवा शुरू किया उदों का मैं कमिटमेंट की हुई सी भी आई बाय अ माइक सून, आई बाय अ माइक सून, लेकिन वो चीज़ बहुत लेट हो गई, बट देर आए दुरुस्त आए। सो दिस इज़ बोया MM+। ये दो वर्जन आते हैं, एक MM ते एक MM+। सो ये प्लस वाला अपने को प्रो वर्जन है। सो गाइज, अगर अनबॉक्सिंग करते हैं तो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा कुछ ऐसा कॉन्टेंट। इसमें थोड़ी सी यूज़र मैनुअल्स जो कि हमारे किसी काम की अफसोस नहीं है, और ये रहा इसका वारंटी कार्ड, और ये थोड़ी सी बोया की ब्रांडिंग जो कि मैं कहीं पे यूज़ नहीं करने वाला ऑफकोर्स। सो मेन कंटेंट हमारा ये है। सो गाइज, ये है हमारा मेन माइक, उसके ऊपर है ये डेड कैट, और साथ में है दो तरह की है ये केबल्स, एक है मेरे आईफोन के लिए और एक है मेरे DSLR के लिए। इस पर जिस पर कैमरा बना हुआ है ये मेरे DSLR पे जाएगी। फोकस, हाँ, और यहाँ पे स्मार्टफोन लिखा है तो ये स्मार्टफोन पे जाएगी। एंड अदर देन दैट वी हैव अ नाइस पाउच लाइक दिस, और साथ में है ये हॉर्सशू माउंट। सो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। सो गाइज, आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड टू टेस्ट दिस बोया माइक। मुझे नहीं पता रिजल्ट कैसा होगा। इस वक्त जो आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो वो मेरे DSLR के डिफॉल्ट माइक की है, और अभी मैं स्विच करने वाला हूँ बोया के माइक पे। सो 3, 2, 1। तो गाइज, अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो मेरे बोया M1 माइक के साथ आ रही है, जिस पर कि मैंने डेड कैट लगा रखा है। और अगर मैं डेड कैट को उतारता हूँ तो गाइज, मैंने डेड कैट उतार दिया है और अब ये माइक फुली जैसे एक्सपोज्ड होता है, नंगा हो गया है। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो मेरे माइक से आ रहा है, और ऊपर फ़ैन चल रहा है, तो नॉइस कैंसिलेशन कैसी हो रही है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। बिना डेड कैट के ये माइक थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे लाइक इसके कपड़े उतार दिए हो। आई होप हवा की थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि इसी चीज़ के लिए इन्होंने डेड कैट दे रखी है। अगर मैं डेड कैट लगाता हूँ इस पर और फिर फ़ैन के नीचे जाता हूँ तो देखिए। तो गाइस, मैंने डेड कैट माउंट कर दिया है और अब मैं फ़ैन के नीचे आ गया हूँ। कितनी हवा चल रही है, कितना क्या सीन आ रहा है वो मुझे भी नहीं पता, मैं भी एडिटिंग के टाइम ही देखूँगा, लेकिन जो भी है आप आवाज़ की और ऑडियो क्वालिटी की जो अंदाज़ा वो लगा सकते हो। तो थोड़ा सा और अगर इसको टेस्ट करूँ मैं तो अलग अलग कंडीशंस पे इसको लेके जाता हूँ। अभी मैं इंडोर था, अब मैं आउटडोर जा रहा हूँ। तो अब जो आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो वो आउटडोर है, बिल्कुल बाहर खुला आसमान है। तो कैसी आवाज़ आ रही है? 1, 2, 3, चेक। हेलो, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो गाइज, मैंने अभी अपने DSLR की भी कोई मैनुअल सेटिंग्स नहीं करी हैं, जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वही हैं। अभी मैंने इस पे भी कोई मैनुअली सेटिंग्स नहीं करी हैं, तो जो आप सुन रहे हो वो जस्ट रॉ ऑडियो है। तो कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। ये माइक वर्थ है या नहीं लेने के, कोई आवाज़ में ऑडियो में डिफरेंस आया भी है या नहीं। और इसकी जो एक बुरी बात मुझे लगी है वो ये है कि इसका जो हॉर्सशू माउंट है वो काफ़ी टाइट है। मुझे सेटअप करते वक्त भी डर लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए, तो बोया को उस चीज़ में थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। एंड ऑन दैट नोट, लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो। कैसा लगा ये शॉर्ट एंड सिंपल ट्यूटोरियल, कमेंट डाउन बिलो। एंड कोई बात नहीं, मिलते हैं अगला व्लॉग। अब से व्लॉगिंग इसी पे होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।